हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। तो आज मेरा डे थर्ड है। इससे पहले मैं फर्स्ट डे जो मेरा अपना कार्डियो का था और सेकंड डे जो मेरा जिम वर्कआउट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आज थर्ड डे मैं अगेन कार्डियो करने वाला हूँ। जो फर्स्ट डे था उसमें मैंने जस्ट नॉर्मल कार्डियो किया था, कोई ऐसा हैवी या इंटेंस वर्कआउट नहीं बोल सकते हैं। 15 मिनट की रनिंग की थी एंड 500 काउंट के मैंने स्किपिंग किया था, नॉर्मल पुशअप्स किए थे। तो आज थोड़ा सा मैं उसे बढ़ाने वाला हूँ। तो अराउंड 20 मिनट्स से लेकर 25 मिनट्स तक की मेरी रनिंग रहने वाली है, और उसके बाद जो मेरी स्किपिंग है उसे मैं इम्प्रूव करने वाला हूँ। तो अराउंड 1000 स्किपिंग रहने वाली है। तो ये मैं आज कार्डियो में इसे बढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है अविनाश कुमार। चैनल पर नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगा पहले कर उससे कर। तो चलिए गाइज, चलते हैं। फिलहाल मैं ग्राउंड की तरफ निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको वहाँ। तो फाइनली गाइज, आ चुका हूँ मैं यहाँ ग्राउंड में। तो उससे पहले गाइज दिखा देता हूँ मैं यहाँ का एनवायरनमेंट। तो ये देखिए, ये है यहाँ का एनवायरनमेंट एंड पीस। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर मुझे लगता है, और यहाँ पर रनिंग के आप कुछ भी कर सकते हैं। ये है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। तो एक्चुअली मैं कुछ दिनों में यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, तो आज मेरा रनिंग का प्लान लेट है तो मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं गाइज चेंजिंग रूम में। तो चेंज करते हैं, देन गाइज आपको मिलते हैं। और काफ़ी ठंड है, तो चेंज करते करते मुझे काफ़ी ठंड लगी थी, बट जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तब थोड़ा ठीक था। तो नी कैप मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, तो गाइज आपको भी नी कैप पहननी चाहिए अगर आप रनिंग करते हैं। तो चलो गाइज चलते हैं पहले अपनी स्ट्रेचिंग की तरफ। तो स्ट्रेचिंग मैंने आज ठीक ठाक की, क्योंकि रनिंग भी थोड़ा मेरा ज़्यादा होने वाला है और स्किपिंग भी मैं थोड़ा ज़्यादा करने वाला हूँ। और काफ़ी ठंड थी तो स्ट्रेचिंग भी थोड़ा सा, इसलिए मैंने ठीक। और गाइस यहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग में लगा दिया अपना सारा गणित जो मुझे आता था। अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक मैंने फुल स्ट्रेच किया है, और ये इतना काफ़ी है अगर आप रनिंग या अपने स्किपिंग से पहले इतना करते हैं। तो चलो गाइस अब करते हैं अपनी स्किपिंग को स्टार्ट। तो गाइस स्किपिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम स्किपिंग को सेलेक्ट। तो यहाँ पे वर्कआउट पे जाते हैं, देन करने वाला हूँ मैं रोप स्किपिंग एंड गो। तो ये गाइज हो चुकी है मेरी आज की स्किपिंग कंप्लीट, और अब दिखा देता हूँ मैं आपको टोटल काउंट। तो ये 1300 के अराउंड मैंने काउंट किया है। अगर यहाँ पे कैलरीज की बात करूँ तो 136 किलो कैलरीज मैंने बर्न की है। तो ठीक ठाक स्किपिंग मैं यहाँ पे आज बोल सकता हूँ अपने वर्कआउट की। तो चलो गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट गाइज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पुशअप्स। तो पुशअप्स के मैं 3 सेट लेने वाला हूँ, और नॉर्मल पुशअप्स ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सेट की बात करूँ तो मैं टोटल 50 काउंट्स में लेने वाला हूँ। इन सेकेंड वर्कआउट जो रहेगा यहाँ पर गाइज मेरा रहेगा प्लैंक। तो मैं यहाँ प्लैंक करने वाला हूँ, अराउंड 1 मिनट का मेरा ये प्लैंक रहने वाला, और उसके अगेन मैं 3 सेट लेने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेरा 1 मिनट का रहेगा, सेकेंड वो थोड़ा कम हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी 1 ही मिनट का रहे। तो 3 सेट यहाँ पर मेरे प्लैंक के हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छा वर्कआउट है आपके एब्स के लिए। तो नेक्स्ट गाइस यहाँ पे क्या मैंने सीजर वर्कआउट, तो लोअर एब्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये, यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। अराउंड मैंने यहाँ पे 40 रैप्स लिए हैं। उसके साथ साथ मैंने गाइस यहाँ पे किया लेग्स अप डाउन, तो ये भी लोअर एब्स के लिए काफ़ी अच्छा है। दोनों ही वर्कआउट लोअर एब्स को टारगेट करते हैं। उसके बाद गाइस मैं काफ़ी थक चुका था, तो मैंने थोड़ा पानी पिया और रेस्ट किया। तो इतना सब करने के बाद गाइस टाइम आ चुका है रनिंग करने का। तो रनिंग के लिए जाने वाला हूँ मैं वर्कआउट। गाइस फाइनली मैं रनिंग करके आ चुका हूँ, और बाहर काफ़ी ठंड है और मुझे अभी फिलहाल गर्मी लगी है, क्योंकि मैं रनिंग करके आया हूँ। तो ठीक ठाक स्ट्रेचिंग भी मुझे यहाँ पर एयरपोर्ट वर्कआउट भी मेरा अच्छा खासा है। तो चलो गाइस उससे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं बाइसेप्स चेक, और देन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने कितनी रनिंग की है। अगर रनिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर मैंने आज 20 मिनट्स की रनिंग की है, और ठीक ठाक कैलरीज भी यहाँ पर मेरी बर्न हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 5 to 6 राउंड मैंने आज लिए हैं उस क्रिकेट ग्राउंड के जो मैंने स्टार्टिंग। सो गाइज फाइनली आज का वर्कआउट ओवर हो चुका है, और आज मैंने सारी ही चीज़ें की हैं, ऑलमोस्ट एब्स भी किया है, पुशअप्स भी किए हैं, और एब्स की 2 से 3 एक्सरसाइज की है। तो ये अभी जो है जस्ट वार्म अप के लिए मैंने एब्स किया है। प्रॉपर सेट में जिम में करूँगा एब्स का जिस दिन मेरा डे होगा। तो आज मैंने स्किपिंग की है, स्किपिंग भी अराउंड मैंने 1500 के अराउंड की है, और रनिंग की बात की तो मैंने 20 मिनट्स की यहाँ पर रनिंग की है। तो अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है, और कार्डियो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्डियो हुआ है। तो अभी धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा। तो आज के कार्डियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मैं कल मैं जिम जाने वाला हूँ, आज मैं जिम नहीं गया। तो अभी क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज़ पे हो रहा है। तो
तो अभी क्या हो रहा है, एक दिन जिम और एक दिन यहाँ पर कार्डियो हो रहा है। तो अभी कमिंग डेज में दोनों चीज़ें मैं एक ही दिन में करूँगा, जिम भी और कार्डियो भी, क्योंकि 40 डेज जो है बहुत ही कम है और जो टारगेट है मेरा बहुत बड़ा है, तो अभी बॉडी को यूज़ टू करना है उसके लिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और कल मैं जिम में जाता हूँ, तो कल मेरा डे 4 रहने वाला है, ये मेरा डे 3 था, अच्छा खासा कार्डियो हो गया। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मैं यहाँ से रेडी होके निकलता हूँ घर की तरफ।